ओम शांति जरूर लिखिएगा। दुखद भरी खबर आज इस वक्त की जो है वो जम्मू के नरवाल से सामने आ रही है। यहाँ पर एक ट्रक ने जो है वो बाइक को टक्कर मारी है, जिसके नतीजे में बाइक पर सवार व्यक्ति की जो है वो दर्दनाक जो है वो तरीके से उसकी जो है वो जान चली गई है। फिलहाल इस समय हम ठीक जीएमसी जम्मू के बाहर मौजूद है और यहाँ पर आपको बताते चलें कि उस युवक को यहाँ पर लाया गया, उसके शव को, काफी दुखद है। सर ये युवक कहाँ का रहने वाला था, कुछ पता चला है? कोई पता नहीं इसका, इसका कोई पता सर, नहीं है वो अभी इनको क्या मालूम हो गया, तभी हो गया ना, तो मैं वेट कर लो प्लीज। तो देख सकते हैं कि एक बड़ा हादसा जो है वो अभी अभी जम्मू के नरवाल इलाके में पेश आया और जानकारी के मुताबिक नरवाल मंडी रोड पर जो है वो एक टैंकर जिसका जेर नंबर जो है वो JK06 8487 है और उसे जो है वो एक उसने जो है वो एक मोटरसाइकिल को हिट करा है और मोटरसाइकिल का नंबर JK02BA1993 बताया जा रहा है। लेकिन ऐसे में इस युवक को जो है वो कोशिश की गई नरवाल पुलिस की टीम की तरफ से कि किसी ने किसी तरीके से जो है वो इसकी जान को बचाया जाए, इसे हॉस्पिटल लाया जाए। लेकिन बदकिस्मती रही कि रास्ते में ही जो है वो इस युवक ने जो है अपना दम तोड़ा। हालांकि ये युवक कहाँ का रहने वाला है, इसका क्या नाम है, इस बारे में कोई भी जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है। आप सभी लोगों से अपील है कि बाइक का नंबर जो है वो JK02BR1993 है और ऐसे में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस युवक के परिजनों तक ये जानकारी पहुंच सके। और काफी दुखद भरा ये हादसा जो है वो अभी अभी जम्मू के नरवाल मंडी रोड पर पेश आया है। ऐसे में एक टैंकर ने जो है वो एक बाइक को हिट करा है, जिसके नतीजे में बाइक पर सवार व्यक्ति की जो है वो दर्दनाक तरीके से उसकी जान चली गई है। और एक बार फिर से आपको बता दे चलूं कि इस टैंकर का जेर नंबर JK06 8487 है और बाइक का नंबर की अगर बात करें JK02BR1993 है। और जितना हो सकेगा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस युवक के परिजनों तक ये जानकारी पहुंच सके। काफी दुखद भरी खबर है और किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरह से इस युवक की जो है वो इस हादसे में जान चली जाएगी। हालांकि नरवाल पुलिस की तरफ से कोशिश की गई कि इस युवक को जो है वो गाड़ी में डालकर हॉस्पिटलाइज किया जाए, लेकिन ऐसे में बदकिस्मत रही कि इस युवक ने जो है वो रास्ते में ही जो है वो दम तोड़ दिया है। और अभी फिलहाल ना जाने उस परिवार तक ये जानकारी पहुंचेगी तो उस परिवार में किस तरह का मातम का माहौल छाएगा। लेकिन काफी दुखद है और माता रानी के आगे दुआ करेंगे और वाहेगुरु के आगे, अल्लाह के आगे दुआ करेंगे कि इस युवक की आत्मा को शांति मिले। कुछ लोग अभी यहाँ पर हैं, अडवोकेट साहब क्या कहना चाहेंगे जो हादसा पेश आया? हमें तो एडवांस में पता लग गया था कि नरवाल साइड में कोई एक्सीडेंट हुआ है तो जहाँ पे पहुंचने वाले हैं, तो अक्सर हम जहाँ पे रहते हैं और किस पर्पज से रहते हैं, किस मकसद से रहते हैं, हमारे तो सोशल वर्क करना है ना, तो हर एक को पता है, चाहे वो मीडिया के लोग हैं कि डबोता साहब ही वायदे ऐसे शख्स होंगे जो वहाँ एमरजेंसी में होंगे। तो हमारे बात करने के तुरंत बाद जहाँ पे एक पुलिस की फ्लाइंग स्क्वाड पेट्रोलिंग जो गाड़ी करती है तो वो एक इंजर्ड व्यक्ति को जहाँ पे लेके आई है, और इंजर्ड जो व्यक्ति था तो देखने में उसका लग रहा था कि डेथ हो चुकी है और उसके पर्स में से एक स्लिप जरूर निकली है कि जिसके ऊपर राहुल लिखा गया है। और हम कन्फर्म नहीं कर सकते कि जो इंजर्ड जहाँ पे आया है वो राहुल ही होगा, लेकिन स्लिप की बात करेंगे राहुल निकला है। और डकले तब ही होगा जब अंदर डॉक्टर लोग इसकी ईसीजी करेंगे, जब तक ईसीजी क्लियर नहीं होती, फ्लैट नहीं आती, तब तक कोई भी ये नहीं कह सकता है इसकी डेथ हो चुकी है। देखने में लग रहा है कि इसकी डेथ हो गई है, लेकिन कन्फर्म तभी होगा जब इसकी ईसीजी हो जाएगी। और बड़ा ये दुखद हादसा है, जंग लड़का लग रहा है, कोई 25 साल के, पता नहीं चल पाया, पता नहीं लगे कहाँ का है, लेकिन शायद ये अखनूर साइड का ना हो जो स्लिप निकली है उसमें। बिल्कुल, एक बार फिर से आप सभी लोगों से कहूंगा कि वीडियो को शेयर करें, बाइक का नंबर हमने आपको बता दिया है और जितना हो सकेगा वीडियो को शेयर करें ताकि इस युवक के परिजनों तक जानकारी पहुंच सके। काफी दुखद भरा दर्दनाक सड़क हादसा जो है वो अभी भी जम्मू के नरवाल मंडी रोड पर पेश आया है, जिसमें एक युवक की जो है वो मौके पर ही जान चले गया। तो ओम शांति जरूर लिखेगा और माता रानी के आगे दुआ करें कि इस युवक की आत्मा को शांति मिले। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।